सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल भारत 2.0 में। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई ट्रिक के साथ। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने बैटरी का बैकअप किस तरह से बढ़ा सकते। और हाँ दोस्तों, ये 100% वर्किंग ट्रिक है। इसके लिए आपको ना ही किसी एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कुछ अलग से डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। मात्र कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं आपके फ़ोन में जिसे आप इनेबल करके इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी अपने फ़ोन के बैटरी बैकअप को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रॉल करना है थोड़ा से नीचे और बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी बैटरी कितना चार्ज है और कितने टाइम तक चल सकती है। उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मेरा पहले से ही बैटरी सर्वर ऑन था, इसे आपको आपके फ़ोन में ये डिसेबल मिलेगा, तो आप इसे इनेबल कर देंगे। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे तो आपकी बैटरी कुछ पीले टाइप की हो जाएगी। यानी दोस्तों, आप अपने बैटरी को सेव करना चाहते हैं, इससे आपकी बैटरी लंबे टाइम तक चलेगी। उसके चलने का रीज़न ये है कि आपकी जितने भी बैकग्राउंड वाले जो बिना काम के एप्लीकेशन, कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप ये पहली सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप स्क्रॉल करके यहाँ से देख सकते हैं कि आपके बैटरी को कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज ले रहा है। यानी जैसे देखिए, यूट्यूब इतना ले रहा है, गूगल प्ले सर्विस इतनी ले रही, तो आप यहां से ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधे चले जाना है बैटरी वाले ऑप्शन। जैसे ही आप बैटरी वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको फिर से एक ऑप्शन मिलेगा ऐप बैटरी सेव, जिस पर आपको क्लिक करना है। आप यहां से देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से आपको क्या करना है, ये दूसरी ट्रिक है। आपको यहां से ये करना कि आप जिस भी एप्लीकेशन को ज़्यादातर यूज करते हैं उस एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं अभी लूडो को खेलता हूँ सपोज दैट, तो उसके बाद मुझे पहला ऑप्शन मिल रहा है जो नो रिस्ट्रिकेशन, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि जो आपका एप्लीकेशन जो विदाउट एप्लीकेशन है, जो अनयूजलेस है, जिसे आप यूज नहीं करते हैं, यानी बैकग्राउंड में जितने भी अनयूजलेस एप्लीकेशन है, उनसे आपके बैटरी का कोई भी ताल्लुकात नहीं रहेगा और आपकी बैटरी की सेविंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी ट्रिक ये हो गई। तो इस तरीके से आप जितने भी एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज करते होंगे उस पर आपको इस तरह से कर देना है। जैसे एक पर मैं करके दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बिटवेयर बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ तो इस पर भी कर दूँ। उसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से जितने भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जिन्हें आप यूज नहीं करते हैं, वैसे ही आपके फ़ोन में पड़े रहते हैं, उनके नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। जैसा कि मेरा अभी सब के सब देख सकते हैं आपकी इनेबल पड़े हुए हैं, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं जिसे आप नहीं यूज करते। जैसे मान लीजिए FM रेडियो हो गया, इसे मैं नहीं यूज करता हूं तो इसे डिसेबल कर देता हूं। जैसे कि नोट एक एप्लीकेशन मेरे में, इसे भी डिसेबल मैं कर दे रहा हूं, इसे भी नहीं यूज करता मैं। मान लीजिए जो फ़ोन सेक्रेट वाला ऐप है, इसे भी मैंने यूज करता हूँ तो इसका भी नोटिफिकेशन बार बार आता रहता है। इससे दोस्तों ये होता है कि जितने बार नोटिफिकेशन आएगा आपकी ब्राइटनेस चलेगी और बैटरी उतरती रहती है। तो यहाँ से इस प्रॉब्लम से भी आपकी बैटरी उतरती है और ज़्यादा देर तक चलती नहीं। तो आप इसे भी सेटिंग करके ऐसे भी अपनी बैटरी को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी सेटिंग थी जिसे आप सेट करके अपनी बैटरी का बैकअप बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों हाँ, चौथी बात ये है कि आप अपने फ़ोन को जब भी फ़ोन चार्ज में लगाया करिए तो जहाँ तक हो सके फ़ोन को यूज मत किया करिए। फ़ोन को लगा के छोड़ दीजिए, जब चार्ज जाए तब चलाया करिए, उसमें लगा कर फ़ोन को चलाया मत करिए। और पांचवी बात ये कि जहाँ तक हो सके आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके चार्ज में लगाया करिए, इससे आपके बैटरी का बैकअप और भी बढ़ जाएगा। तो दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक छोटी सी जानकारी देनी थी आपको। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आप जानते ही हैं, इसे भूलिएगा मत। तो धन्यवाद दोस्तों।